बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है थोरेसिक ट्रॉमा। बिफोर वी स्टार्ट थोरेसिक ट्रॉमा, हमें थोड़ा सा बता होना चाहिए कि थोरेसिक कैविटी के अंदर बेसिकली मौजूद क्या होता है। थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे पास जो है, अगर हम फ्रंट से देखना शुरू करें तो हमारे पास एक चेस्ट वॉल होती है जो बोनी थॉरेक्स की बनी होती है। इसके अंदर हमारे पास रिब्स भी होते हैं, मसल्स भी होते हैं, मसल्स अटैच होते हैं, रिब्स भी होते हैं और ब्लड वेसल्स भी होते हैं। मेन जो हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर जो विज़रा मौजूद है वो लंग्स होता है। लंग्स को सराउंड करती है प्लियोरा। लंग्स और प्लियोरा के दरमियान एक कैविटी होती है जिसको हम प्लियोरल कैविटी कहते होते हैं। ठीक है, लंग का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है टूवर्ड्स द प्लियोरा उसको हम लंग पैरेन्काइमा कहते होते हैं। और जो लंग है वो जिस कैविटी में मौजूद है उस कैविटी को हमने डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर किया होता है जिसको हम मीडियास्टिनम कहते हैं। और इसके अलावा जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके अंदर थोड़ा हमारे पास ट्रेकिया भी मौजूद होता है, इसोफेगस भी मौजूद है, इसके अलावा हार्ट भी है और एओर्टा भी है। जो थोरेसिक ट्रॉमा है ना वो बेसिकली एक हमारे पास मोस्टली इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि थोरेसिक ट्रॉमा जब भी होगा ये हमारे दो मेन विज़रास को इफेक्ट करेगा, आइदर इट इज़ हार्ट आइदर इट इज़ आवर लंग्स और ट्रेकिया। ठीक है, अब जो हमारे पास 20-25% ऑफ ऑल द ट्रॉमा केसेस ट्रॉमा रिलेटेड डेथ्स होते हैं द हॉस्पिटल वो प्रेजेंट करते हैं, उनको बेसिकली क्या हुआ होता है, चेस्ट ट्रॉमा हुआ होता है। ठीक है, चेस्ट ट्रॉमा जो है वो दोनों काइंड्स का हो सकता है, वो ब्लंट इंजरी भी हो सकती है, वो पेनिट्रेटिंग इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, वो किसी किस्म का कोई स्टैब वुंड भी हो सकता है। एनाटॉमिकल कंसिडरेशन है, मैंने आपको बता दिया कि चेस्ट वॉल होती है, प्लूरल स्पेस होती है, चेस्ट वॉल होती है कॉन्सिस्ट ऑफ बोनी थोरैक्स अटैच विद द मसल्स। इसके अलावा प्लियोरल स्पेस होती है बिटवीन द लंग्स एंड द प्लियोरल प्लियोरा बिटवीन द चेस्ट वॉल। ठीक है, इसके अलावा हमने बता दिया हमारे पास क्या होता है, लंग पैरेन्काइमा होता है। लंग पैरेन्काइमा के अलावा हमारे पास होता है मीडियास्टिनम जिसके अंदर ये तमाम स्ट्रक्चर्स इनक्लोज होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जो कि थोरेसिक ट्रॉमा में हो सकती हैं। उनमें क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, पैथोलॉजिकल कंसिडरेशन जिसको हम कहते होते हैं। हाइपोक्सिया क्या होता है कि भाई ये ना इनएडुकेट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन होती है टू डिफरेंट टिश्यूज। ठीक है, और जो पल्मोनरी वेंटिलेशन परफ्यूजन होता है उसका मिसमैच हो जाती है, यानी जितनी रिक्वायर्ड परफ्यूजन होती है उतनी हो नहीं पाती। ठीक है, ये हो गया हाइपोक्सिया। हाइपरकार्बिया क्या होता है कि जितनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से आउटसाइड मूव करनी चाहिए उतनी आउटसाइड मूव नहीं करती। बॉडी के अंदर जब हाइपोक्सिया होता है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाते हैं। जब इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड होती है तो बेसिकली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का भी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारे पास मेजर डिस्कशन है वो ये है कि जो थोरेसिक इंजरीज होती हैं वो हम दो टाइप्स में ना डिवाइड कर देते होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेडली होती हैं फॉर आवर बॉडी, फॉर द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, तो उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते होते हैं। एक हमारे पास होती हैं लीथल सिक्स और एक हमारे पास होती हैं हिडन सिक्स। ठीक है, जो लीथल सिक्स होती हैं उनको हम मेमोराइज करते हैं विद दिस निमोनिक विच इज़ योर मेंशन एटम FC ATOMFC। इसके अंदर हमारे पास 6 पर्टिकुलर जो हैं वो डिसऑर्डर्स आते हैं। और इसके अलावा हमारे पास होते हैं हिडन सिक्स। ठीक है, इनके अंदर भी हमारे पास पर्टिकुलरली 6 ही जो है ना वो डिजीज़ आती हैं। जब भी हम इनकी मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ATLS से स्टार्ट करते हैं। ATLS इज़ एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। उसके हमारे पास 3 सर्वेज होते हैं, प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे और डेफिनेटिव सर्वे, जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। हम मूव ऑन करते हैं फ्रॉम प्राइमरी सर्वे जिसमें हम ABCDE एयरवे मेंटेनेंस ब्रीथिंग सर्कुलेशन, इससे आगे हम जो है ना वो प्रोसीड करते हैं। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ थोरेसिक ट्रॉमा के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है। यही बात मैंने आपको बताई कि जो मैनेजमेंट होती है थोरेसिक ट्रॉमा की वो ATLS गाइडलाइन के प्राइमरी सर्वे से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर जब हम अपनी प्राइमरी सर्वे पेशेंट को रिससिटेट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारा पेशेंट है वो रिससिटेटेड है, थोड़ा सा स्टेबल है। फिर हम मूव ऑन करते हैं और सेकेंडरी सर्वे की तरफ जिसमें हम हेड टू टो जो है ना वो पेशेंट की एग्जामिनेशन करते हैं। जो सिस्टम उसका इफेक्टेड होता है उसको हम पर्टिकुलरली ट्रीट करते हैं। जो लाइफ थ्रेटनिंग थोरेसिक इंजरीज होती हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं। प्राइमरी सर्वे के अंडर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और पेशेंट को रिससिटेशन के बाद हम जो है ना बी फेज ऑफ जो होता है ATLS उसमें मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा जो थोरेसिक ट्रॉमा होती है उसके मैनेजमेंट में हम 2-3 प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं जिनमें एक नीडल डिकम्प्रेशन होता है और एक चेस्ट इंट्यूबेशन होता है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करने लगे हैं टूवर्ड्स इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। हमने पीछे एक निमोनिक की याद किया, ATOMFC ATOMFC। ए रिप्रेजेंट्स फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, टी रिप्रेजेंट फॉर टेंशन निमोथोरैक्स, ओ रिप्रेजेंट फॉर ओपन निमोथोरैक्स, एम रिप्रेजेंट फॉर मैसिव हीमोथोरैक्स, एफ रिप्रेजेंट फॉर कार्डिक टैम्पेनेड,
एफ सॉरी रिप्रेजेंट फॉर द फ्लेल चेस्ट एंड सी रिप्रेजेंट फॉर द कार्डिक टैम्पनेड। अब इसमें जो हमने ये पढ़ा कि नीमोथोरैक्स बेसिकली क्या होता है, नीमोथोरैक्स का मतलब ये होता है कि थोरेसिक कैविटी के अंदर एयर एक्यूमुलेशन हो जाती है। हीमोथोरैक्स का मतलब होता है कि चेस्ट कैविटी के अंदर हीम यानी कि ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। अब हम अपना सबसे पहली जो हमारी लीथल कंडीशन है एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन वो देख लेते हैं। एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन में जो हमारे पास लैरिंजियोट्रेकल इंजरीज होती हैं वो रेयर होती हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होती है कि फॉलिंग बैक ऑफ टंग हो जाती है, ठीक है। कोई फॉरेन बॉडी जो है आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपकी ओपनिंग्स है उनको ब्लॉक कर देती है। कोई हमारा जो डेंचर्स होते हैं या कोई एवल्स टीथ होता है या फिर जो अपनी बॉडी की सेक्रीशंस होती हैं या बाहर से कोई सेक्रीशन लाइक ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है तो वो हमारे जो है ना एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज बनती है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि समटाइम्स के एक्सपैंडिंग हिमाटोमास होते हैं जो ना हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर बन जाते हैं, जो कि प्रेशर अप्लाई करते हैं ओवर द ट्रेकिया, ओवर द थायराइड कार्टिलेज, ओवर द क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। उनकी वजह से हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, जो पेशेंट है उसका नोज़ और माउथ से एयर करंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। हम अपने फिंगर जब आगे लेकर आएंगे नोज़ के या माउथ के तो हमें जो है ब्रीथिंग इतनी फील नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा कि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर लैरिंजियोट्रेकल को इंजरी हुई भी है तो पेशेंट हमारे पास हॉर्सनेस और वॉइस के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास जो है प्रोग्रेस कर गई है डिजीज़ और हमारे पास सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा आ गया तो पेशेंट क्रैपेटस के साथ प्रेजेंट करेगा और बाकी जो रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी है वो हमें ऑब्जर्व करने पे मिलेगी, ठीक है। अब हमने बताया कि हम जिस भी चीज़ की मैनेजमेंट की तरफ प्रोसीड करते हैं जनरल सर्जरी में तो हम क्या करेंगे एवरीवेयर इन आर मेडिसिन इन आर सर्जरी जहाँ पे भी हम पेशेंट को डील करेंगे हम ATLS को सबसे पहले फोकस में लाएंगे। ATLS के प्राइमरी सर्वे के मुताबिक हम ABCDE के अंदर अपनी डिजीज को कैरेक्टराइज करेंगे। अब हमारे पास जो कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो ATLS के प्राइमरी सर्वे की ए क्वालिटी में जो है ना वो फॉल करता है। ये बात यहीं पर मैंशन भी हो गई कि ए एयरवे पार्ट ऑफ द प्राइमरी सर्वे ऑफ रिसर्सिटेशन। इसमें हम क्या करेंगे जो सिंपल मैन्यूवर्स हमने लास्ट टाइम पढ़े थे टेल लिफ्ट करवा देंगे, ठीक है, ओरोफेरेंजियल एयरवे मेंटेन कर देंगे या जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर कर देंगे। जब अगर हमारे पास इनसे कोई रेजोल्यूशन नहीं होती तो हम डेफिनेटिव एयरवे जो प्रोसीजर्स हैं उनको अचीव करेंगे। उनमें हमारे पास क्या होता है कि हम एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन कर दें, थोरेकोटमी कर दें या फिर ट्रेकियोस्टमी कर दें, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेंशन नीमोथोरैक्स। टेंशन नीमोथोरैक्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो नीमोथोरैक्स है वो रिप्रेजेंट करे बेसिकली क्या एयर इन द चेस्ट कैविटी। एयर चेस्ट कैविटी में जो है वो एक्यूमुलेट हो रही है तो क्या हो रही है टेंशन हो रही है। ये हमारे पास क्यों होती है एनी ट्रॉमेटिक हम स्टेट पढ़े हैं तो एनी काइंड ऑफ ब्लंट इंजरी की वजह से हमारे पास टेंशन नीमोथोरैक्स होती है, ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है कैसे होती है। टेंशन नीमोथोरैक्स की पैथोफिजियोलॉजी को समझने के लिए हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये हमारे पास है लंग, लंग को सराउंड किया है प्लियोरा ने, प्लियोरा और लंग के दरमियान हमारे पास क्या है प्लियोरल कैविटी है, ठीक है। जब ब्लंट इंजरी होगी तो क्या होगा बेसिकली इस जो प्लियोरा है इसके अंदर एक छोटा सा होल बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जब छोटा सा होल बनेगा तो क्या होगा जो एयर है फ्रॉम आउटसाइड पर मूव करेगी इनटू द प्लियोरल कैविटी। आउटसाइड से जो एयर है यानी इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एयर मूव कर जाएगी विद इन द प्लूरल कैविटी, ठीक है। जब विद इन द प्लूरल कैविटी मूव ऑन करेगी ये होल बहुत छोटा सा है, इतना छोटा है कि एयर यहाँ से एंटर तो हो सक रही है लेकिन यहाँ से एयर को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इस होल से वापस बाहर नहीं जा सकती क्योंकि प्रेशर ऑफ एयर ऑलरेडी ज़्यादा और इसका जो ओपनिंग है वो छोटी है तो एयर जो है वो इस एरिया में सारी एंट्रैप होने लगेगी। जब एयर इस एरिया में एंट्रैप होने लगेगी तो क्या करेगी वो बेसिकली लंग के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी। लंग के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी तो जो लंग है वो क्या करेगा फर्दर जो यहाँ पे मौजूद हमारे पास विजराज हैं लाइक जो हमारा ट्रेकिया है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। ये हम बना लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सा ट्रेकिया, ठीक है। अब जो ये लंग है ये हमारे क्या करेगा ट्रेकिया के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। ट्रेकिया के ऊपर जब ये प्रेशर अप्लाई करेगा तो ट्रेकिया जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड। ये अफेक्टेड साइड है, ठीक है। ट्रेकिया जो है इसके लंग के प्रेशर की वजह से शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड। यहाँ पे लिख दी गई कि जब एयर इंट्रोड्यूस होगी प्लूरल कैविटी में, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड या फ्रॉम द इंजर्ड लंग पैरेन्काइमा तो एयर एंटर तो हो जाएगी लेकिन इतनी स्मॉल स्पेस है कि उसको एस्केप करने का जो है चांस नहीं मिलेगा। ये बैल्ब लाइक मैकेनिज्म हो जाएगा, ठीक है।
फिर ये क्या होगा, जब लंग कोलैप्स करेगा तो लंग जो है प्रेशर अप्लाई करेगा इन द मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स, मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स को पुश कर देगा टूवर्ड्स अ साइड, जिसमें हम मोस्टली हमें देखने को मिलेगी ट्रेकियल शिफ्ट, जो कि इसका एक डायग्नोस्टिक पॉइंट भी है, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, किंकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, एक लंग कोलैप्स कर गया तो ब्लड फ्लो टू द हार्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होगा कि भाई सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा से जो ब्लड है वो प्रॉपर्ली हार्ट के अंदर नहीं आ रहा। तो जब ब्लड प्रॉपर्ली हार्ट के अंदर नहीं आएगा तो वीनस प्रेशर हमारा रेज हो जाएगा, वेन्स के अंदर ब्लड एनकॉर्च करने लग जाएगा, ठीक है। तो इससे हम जो पेशेंट है वो समटाइम्स ऑब्स्ट्रक्टिव काइंड ऑफ शॉक में भी चला जाता है। क्लिनिकल फीचर्स में हम खुद से जो है ना एक दफ़ा माइंड में अपने लाते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स बेसिकली क्या होंगे। क्लिनिकल फीचर्स में एक तो यही होगा, जो पेशेंट है वो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। जब हम पेशेंट को ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम पेशेंट को ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें उसकी ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट मिलेंगी। क्यों एब्सेंट मिलेंगे, क्योंकि लंग्स तो कोलैप्स है ना, वो एक्सपैंड हो रहा है ना, फिर ना रिलैक्स हो रहा है, ना डिफ्लेट हो रहा है, ना इन्फ्लेट हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, ब्रेथ साउंड जो है वो एब्सेंट हो जाएंगी। इसके अलावा हमें क्या होगा, ट्रेकियल शिफ्ट मिलेगा, ठीक है। ये दो बातें हमारे इसके मेन डायग्नोस्टिक होंगी। क्या होगा, जो पेशेंट है वो हमारे पास जाहिर सी बात है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो प्रेजेंट करेगा टैकीकार्डिया के साथ, टैकेपनिया के साथ, हाइपोटेंशन के साथ, नेक में एनकॉर्ड्स हैं, ट्रेकिया की शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स ऑपोजिट साइड। अब हमारे पास जो एक और मेन डायग्नोस्टिक पॉइंट है वो ये है कि हम पेशेंट के अंदर हमेशा इस तरह अप्रोच करते हैं, पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, फिर पैल्पेशन करते हैं, फिर परकशन करते हैं, फिर ऑस्कल्टेशन करते हैं। जब हम परकशन करेंगे, जो हमारा थर्ड स्टेप है, परकशन पे हमें क्या मिलेगा, एक हाइपर रेजोनेंट सा नोट मिलेगा, हाइपर रेजोनेंट नोट मिलेगा ऑन परकशन। और जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो ब्रेथ साउंड्स हमारे पास एब्सेंट होंगी। तीन बातें होंगी, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट और ट्रेकियल शिफ्ट, ये हमारे पास मेन डायग्नोसिस बनाएंगे टूवर्ड्स अ टेंशन न्यूमोथोरैक्स। क्लिनिकल फीचर्स क्लियर आउट हो गए। अब हम मूव करते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट में वही पहले हम अपने माइंड में ATLS लाएंगे। ATLS के किस पार्ट में ये डील होता है, ATLS के बी पार्ट में, प्राइमरी सर्वे के बी पार्ट में डील होता है, दैट इज़ ब्रीथिंग, ठीक है। हमने पिक आउट कर लिया कि हमारा जो पेशेंट है वो डी पार्ट ऑफ ब्रीथिंग से जो है उसका रिलेशन है पेशेंट की मैनेजमेंट का। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब जब हमारे पता चल गया कि एयर की एंट्रैपमेंट हो रही है विद इन द प्यूरल कैविटी विद इन द लंग, तो हमने क्या करना है, नीडल डीकम्प्रेशन कर देंगे। नीडल डीकम्प्रेशन ये होता है कि सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर हम जैसे ही पेशेंट को उठा के बिठा देंगे, सिटिंग पोजीशन में हम पेशेंट को रखेंगे, ताकि जो है ना बाकी पहले ऑलरेडी ट्रेकिया शिफ्ट है उसके ऊपर फर्दर प्रेशर पाए ना, और टोटली जो है ना पेशेंट रेस्पिरेटरी पैरालाइज ना हो, हैंडीकैप ना हो जाए। इससे अवॉइड करने के लिए हम पेशेंट को सेटअप करके बिठाएंगे, ताकि जो प्रेशर जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो ग्रेविटी के टूवर्ड्स मूव करे, ठीक है। पेशेंट को उठा के बिठाया, नीडल डीकम्प्रेशन करेंगे, नीडल डीकम्प्रेशन में नीडल को हम इंसर्ट करेंगे सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर, और जो एयर है वो रश करके आ जाएगी आउटसाइड, ठीक है। ये हमारे पास टेम्प्ररी जो है ना वो ट्रीटमेंट होता है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम या तो चेस्ट इंट्यूबेशन करते हैं या तो थोरैकोटमी करते हैं। वो हम किस उसके लिए कौन सी प्लेस हमारी सूटेबल होती है, एंटीरियर टू द मिड एक्सिलरी लाइन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। ये हो गया टेंशन नीमोथोरैक्स। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स ओपन नीमोथोरैक्स। ओपन नीमोथोरैक्स में बेसिकली एक्यूमुलेट एयर ही हो रही है, लेकिन इसमें बात ये है कि वहाँ जो टेंशन नीमोथोरैक्स था वहाँ पे ब्लंट इंजरी होती है। यहाँ पे हमारे पास स्टैब वुंड होगा या फिर हमारे पास कोई फायर आर्म इंजरी होगी, ठीक है। फायर आर्म इंजरी का मतलब ये होता है कि इसका हमारे पास वुंड का एंट्री पॉइंट भी है, एग्जिट पॉइंट भी है, ठीक है। तो जितनी एयर अंदर मूव करिए उतनी एयर बाहर भी जा रही है। ये एक हमने हाइपोथेटिकल से अपने माइंड में एक बात बना ली। नीमोथोरैक्स से का मतलब ये है कि एयर है, ओपन का मतलब है कि ओपनिंग है एंट्री की भी और एग्जिट की भी, ठीक है। अब हम इसकी फर्दर पैथोजेनेसिस की तरफ चलते हैं। यही बात लिखी हुई है कि जो ये फायर आर्म इंजरीज की वजह से हो सकता है और स्टैब वुंड की वजह से होता है। पैथोजेनेसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए फिर से हम एक पिक्चर देखते हैं। हाइपोथेटिकल सा मैंने पिक्चर ड्रॉ कर लिया। हमारे पास लंग है, ये प्लूरल कैविटी है, ये प्लूरा है। जब हमारे पास हुआ ना स्टैब वुंड या फायर आर्म इंजरी, जिसमें हमारे पास एक एंट्री पॉइंट भी और एक एग्जिट पॉइंट भी है, अब क्या होगा, एयर रश करेगी इनवर्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और यहाँ से उसकी आउटलेट भी है, ठीक है। लेकिन इसमें अब होता क्या है कि जो हमारा ये लंग है ये बेसिकली क्या है, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो फिर क्या होगा, जो एयर है उसने आना होता है एटमॉस्फेयर से इनटू द लंग्स। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे होल है, यहाँ पे एक ओपनिंग बन गई है लंग के अंदर के, जो लंग की अब लंग के अंदर का जो प्रेशर है वो बेसिकली कम हो गया है, ठीक है। लंग के अंदर का जब प्रेशर कम हुआ है तो इस इनलेट से एयर रश करेगी इनवर्ड, एयर रश करेगी इनवर्ड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो दोनों इक्वलाइज हो जाएंगी। उनके दरमियान जो डिफरेंस था वो खत्म हो जाएगा। यहाँ से प्रेशर टेंशन है, अंदर से भी प्रेशर टेंशन है, ठीक है। जब इन दोनों की प्रेशर टेंशन इक्वल हो जाएगी, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लंग कोलैप्स कर जाएगा।
अब यहाँ पे जो हमारे पास मेन बात याद रखने वाली है वो ये है कि एयर जो है वो यहाँ एंट्रैप तो हो रही है, लेकिन वो जो यहाँ मीडियासिनल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनको कंप्रेस नहीं करी। लंग कोलैप्स हो रहा है लेकिन जो है ना ये प्रेस नहीं करा किसी भी मीडियासिनल स्ट्रक्चर को, ठीक है। जब लंग किसी भी मीडियासिनल स्ट्रक्चर को कंप्रेस नहीं करेगा तो इसमें हमारे पास जो मेन बात है वो ये है कि ट्रेकियल शिफ्ट नहीं आएगा। ट्रेकियल शिफ्ट नहीं आएगा, कोई भी मीडियासिनल स्ट्रक्चर जो है वो अपनी प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होगा। यहाँ पे आ गई कि एयर टेंड्स टू फॉलो द पार्ट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड फोर्स इनसाइड द प्लूरल कैविटी। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, अब जो है फंक्शन ऑफ द लंग जो है वो डिस्टर्ब हो गया। क्लिनिकल फीचर्स अब हमारे पास क्या आएंगे, अब हम अपने माइंड में कंसिडर कर लेते हैं कि जो पेशेंट है वो हमारे पास प्रेजेंट किया है ओपन निमोथोरैक्स स्टैब वुंड है, तो बेसिकली वही बात आ जाएगी कि सबसे पहले पेशेंट को इंस्पेक्ट करेंगे, हिस्ट्री ले लेंगे, हिस्ट्री के बाद हम उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, एग्जामिनेशन में हम पेशेंट को इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद हमें पता चलेगा जो पेशेंट है वो स्टैब वुंड का या फायर आर्म इंजरी का विक्टिम है, ठीक है। उसको कोई पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रॉमा हुआ है, ओपन सकिंग वुंड बन गया उसका, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमने देख लिया जो पेशेंट है उसका रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा रेज्ड होगा इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर द लॉस, ठीक है। अब पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा होगा, पेशेंट को क्या होगा, टैकेपनिया होगा, ठीक है। और जो इसमें ट्रेकिया है वो सेंट्रल होगा, ये बात मैंने आपको बताई क्योंकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम में है, तो कोई भी प्रेशर कहीं भी अप्लाई नहीं हो रहा। तो बेसिकली क्या हुआ है कि रेस्पिरेट जो ट्रेकिया है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में मौजूद है। अब हम जब पेशेंट को क्या करेंगे, इंस्पेक्ट हमने कर लिया, इंस्पेक्ट करने के बाद हमने पेशेंट को पैल्पेट करना, पैल्पेट करने के बाद हम पेशेंट को परकस करेंगे। पैल्पेशन में हमें पता चल गया जो ट्रेकिया है वो सेंट्रल है। जब हम पेशेंट को परकस करेंगे तो हमें वही हाइपर रेजोनेंट नोट मिलेगा क्योंकि बेसिकली हुआ क्या, एयर एंट्रैपमेंट हुई हुई है। जब हम पेशेंट को ऑस्कल्टेट करेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या होगा, ब्रीथिंग साउंड्स एब्सेंट मिलेंगी। अब जो हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई हमारे पास ओपन निमोथोरैक्स है या फिर टेंशन निमोथोरैक्स है, एक तो हम पेशेंट की हिस्ट्री ले लेंगे, हमें नज़र आ रहा होगा जो पेशेंट अगर उसके अंदर ब्लंट इंजरी है तो वो मोस्ट प्रोबेबली टेंशन निमोथोरैक्स की तरफ है, अगर उसको स्टैब वुंड इंजरी है, थोरेसिक फायर आर्म इंजरी है तो फिर वो पेशेंट जो है वो ओपन निमोथोरैक्स की तरफ मूव ऑन करेगा, ठीक है। इसके अलावा हम ट्रेकियल शिफ्ट देख लेंगे, जिसमें ट्रेकियल शिफ्ट होगा वो होगा टेंशन निमोथोरैक्स, जिसमें ट्रेकियल सेंट्रल होगा वो ओपन निमोथोरैक्स। समटाइम्स ओपन निमोथोरैक्स जो है वो टेंशन निमोथोरैक्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। कब कन्वर्ट होता है ये मैं आपको बताती हूँ। अब हमने इसकी क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स इस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमने वही देख लिया ATLS के किस पार्ट में ये लाई करता है, ATLS के बी पार्ट में लाई करता है, ठीक है। अब इसकी हम मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, मैनेजमेंट में हम ना बेसिकली इस पिक्चर को देख लेते हैं, इसमें हम ना एक थ्री साइडेड जो है ड्रेसिंग करते हैं। थ्री साइडेड ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि ये जो एक साइड हम इसको ओपन छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम किसी भी किस्म की कोई टेप अप्लाई नहीं करते, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करते, इसको यहाँ से क्लोज नहीं करते। इसको लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब पेशेंट इंस्पायर करेगा तो ये जो प्लास्टिक शीट ऊपर है ये सक कर जाएगी इनवर्ड्स इन द वुंड। जब वुंड के अंदर सक करेगी तो बाहर से एक्स्ट्रा एयर जो है वो वुंड के अंदर मूव ऑन नहीं करेगी, और जब पेशेंट एक्सपायर करेगा तो ये थोड़ा सा इन्फ्लेट होगा एरिया, और यहाँ से जो एंट्रैप्ड एक्स्ट्रा एयर है वो मूव ऑन कर जाएगी आउटसाइड। अगर ये एरिया पूरा पैक हो जाता है तो एयर अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाएगी। जब एयर अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाएगी तो वो क्या होगा कि ओपन निमोथोरैक्स जो पहले था वो कन्वर्ट हो जाएगा टेंशन निमोथोरैक्स में। अब ये जो हमारे पास एक किस तरह बन गया, वाल्व लाइक मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो ये तो हमने प्रेशर ड्रेसिंग कर दी, अगर इससे भी हमारे पास पेशेंट ट्रीट नहीं होता तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, वही एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होता है। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन से भी अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम वही थोरैकोटोमी और जो है ना ट्रेकियोस्टोमी वगैरह की तरफ मूव ऑन करेंगे। नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर फोर्थ पॉइंट, फोर्थ लीथल कॉज विच इज़ मैसिव हीमोथोरैक्स। अब मैसिव हीमोथोरैक्स में हीम का मतलब है कि ब्लड एक्यूमुलेट हो रहे हैं द थोरैक्स। पहले हमने ब्लंट इंजरी अलग पड़ी थी, स्टैब वुंड अलग पड़ा था, पेनिट्रेटिंग इंजरी अलग पड़ी थी। अब जो हीमोथोरैक्स है उसमें पेनिट्रेटिंग भी है और उसमें ब्लंट ट्रॉमा भी है, ठीक है। दोनों ट्रॉमाज हो सकते हैं। इसमें होगा क्या कि जो प्लूरल कैविटी और लंग है उनके दरमियान में क्या हो जाएगा, ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, ठीक है। ब्लड क्यों एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि हमने बताया था अभी एनाटॉमी में ओवरव्यू में कि जो हमारे पास चेस्ट कैविटी है उसके अंदर वेसल्स मौजूद हैं, ब्लड वेसल्स, इंटरकोस्टल वेसल्स मौजूद हैं, उसके अंदर इंटरनल मेमोरी आर्टरीज मौजूद हैं, उसके अंदर एओर्टा मौजूद है। तो जब उनका रैप्चर होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा विद इन द थोरेसिक कैविटी। अब हम जो है पेशेंट की क्लिनिकल फीचर्स की तरफ मूव ऑन करते हैं, उसमें क्या होगा कि हम पेशेंट की पहले हिस्ट्री ले लेंगे, हमें हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा मिलेगी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी नज़र आ रही होगी। अब चूंकि ब्लड वेसल्स डैमेज हुआ है, ब्लड वेसल में हमारे पास कोई मेजर वेसल भी डैमेज हो सकती है, इंटरकोस्टल आर्टरीज डैमेज हो सकती है, इंटरनल मेमोरी आर्टरी डैमेज हो सकती है, जो पेशेंट है वो हाइपोवोल्यूमिया के साथ प्रेजेंट करेगा, यानी कि पेशेंट जो है इन अ स्टेट ऑफ टैकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, चेस्ट मूवमेंट्स डिक्रीज होंगी ऑन द इफेक्टेड साइड, क्योंकि लंग को बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा इन्फ्लेट होने के लिए, तो क्योंकि ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है, तो इस वजह से जो चेस्ट मूवमेंट्स होना ऑन द अफेक्टेड साइड वो
रिड्यूस। अगर हमारे पास इसके कुछ डायग्नोस्टिक पॉइंट्स के, हम जब हमने इंस्पेक्ट कर लिया, पैल्पेट कर लिया, पैल्पेशन के बाद हम मूव ऑन किए टूवर्ड्स परकशन, परकशन में हमें नीमोथोरैक्स जहाँ एयर थी वहाँ पे हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट मिल रहा था, अब यहाँ पे चूंकि फ्लूइड है तो यहाँ पे क्या होगा, डल परकशन नोट मिलेगा। ठीक है, ये एक हमारे पास डिफरेंशियल होता है ऑफ हीमो एंड नीमोथोरैक्स। ओके, ऑस्कल्टेशन में हमने क्या कहा कि ब्रेथ साउंड्स हमें एब्सेंट मिलेंगी, जो ब्लड है ना वो प्रेशर अप्लाई करेगा, जाहिर सी बात है ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, लंग पे प्रेशर अप्लाई करेगा, लंग जो है वो मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा और उनकी डाइवर्शन की जो है ना, उनके शिफ्ट की कॉज बनेगा। क्लियर हो गया। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द मैनेजमेंट। अब हमने देख लिया कि ये जो है हीमोथोरेक्स, ये भी मैनेज होगा। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी कॉज करे तो ATLS के प्राइमरी सर्वे के ए पार्ट, बी पार्ट में ना ये कंट्रोल होगा, यानी कि ब्रीथिंग पार्ट में। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले अब हमें पता है कि प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, हमने उस ब्लड को इवैक्यूएट कर लेना है। ठीक है, ब्लड को इवैक्यूएट करेंगे। उसके अलावा हमने देख लिया कि जो हमारा पेशेंट है वो हाइपोवोल्यूमिया के स्टेट में, हमने फ्लूइड उसको लगा देना है, जिसमें हम मोस्टली रिंगल लिक्विड लगाते होते हैं। ठीक है, अब हमें देख लिया कि अगर हमारा पेशेंट जो है चेस्ट इंट्यूबेशन से भी रिकवर नहीं करा तो हम उसमें थोरैकोटमी कर देंगे, थोरैकोटमी एक रिकोथायरॉयडोटमी कर देंगे। इसके लिए हमारे पास एक थोरेसिक सर्जन का होना ज़रूरी है। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स अ फ्लेल चेस्ट। जो फ्लेल चेस्ट है ना, ये हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल टाइप सिचुएशन है। इसमें क्या होता है कि ना जो पेशेंट है उसके रिब्स फ्रैक्चर्ड हो जाती है किसी एक साइड की, मोस्टली जो है ना ये एक साइड को हम फिलहाल कंसिडर कर लेते हैं कि एनी वन साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी की जो रिब्स हैं वो फ्रैक्चर्ड हो गई हैं। ठीक है, वो फ्रैक्चर्ड हो गई हैं। अब हमें मालूम है ये बात कि जब भी कोई बोन फ्रैक्चर होती है इट कॉज अ सुवेयर सुवेयर एंड सुवेयर एनाफ पेन। ठीक है ना, पेन होगा। इसमें जो हमारे पास मेन कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है फ्लेयल चेस्ट को डिफाइन करने के लिए वो ये है, हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक पेशेंट आया है, उसको फ्लेयल चेस्ट हुआ है, उसको ट्रॉमाटाइज्ड वो पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ है इमरजेंसी में। अब हमें किस तरह बताना है कि पेशेंट फ्लेयल चेस्ट का है या नहीं। इसमें ना पैराडॉक्सिकल मूवमेंट होगी। पैराडॉक्सिकल मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जब पेशेंट ब्रीथिंग करेगा ना, इंस्पायर करता है, तो बेसिकली इंस्पायरेशन में क्या होता है, हमारा जो रिब केज है वो मूव करता है आउटवर्ड। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन रिब केज मूव्स इनवर्ड। जब इंस्पायरेशन होगी रिब केज आउटवर्ड मूव करेगा, तो जो अफेक्टेड साइट है उसकी जो रिब्स हैं वो फ्रैक्चर्ड हैं, वो मूव करेंगी इनवर्ड। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन मैं बात कर रही हूँ, इंस्पायरेशन क्या होगा कि अफेक्टेड साइट की जो रिब्स हैं वो मूव कर जाएंगी इनवर्ड और जो नॉर्मल साइड है उसकी रिब्स मूव करेंगी आउटवर्ड। जब वो इनवर्ड मूव करेंगी वो लंग के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगी, लंग पैरेन्काइमा को डैमेज करेंगी। अंडरस्टैंड दैट पैराडॉक्सिकल मूवमेंट क्या है कि जो नॉर्मल साइड है वो इंस्पिरेशन के दौरान नॉर्मली एक्सपैंड करके मूव करेगी आउटवर्ड, लेकिन जो अफेक्टेड साइड है वो गिर जाएगी अंदर डाउनवर्ड। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि ना एक बकेट हैंडल टाइप, लाइक जो स्टर्नम है ना उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, बकेट हैंडल वो मूव करती है आउटवर्ड और जो दोनों साइड्स ऑफ द चेस्ट है वो मूव करके इनवर्ड, तो ये हमारे पास एक बाल्टी होती है ना उसकी तरह की शेप दे देती है, इसलिए हम इस डिजीज़ को बकेट हैंडल डिफॉर्मिटी भी कहते होते हैं। आई थिंक सो आपको समझ आ गया कि फ्लेयल चेस्ट होता क्या है। अब फ्लेयल चेस्ट के जो हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं। फ्लेयल चेस्ट में जाहिर सी बात है हमारे पास जो पेशेंट है वो सीवियर पेन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो पहला तो क्लिनिकल फीचर ये हो गया कि जो पेशेंट है ना उसको सीवियर पेन होगा। उसके अलावा दूसरा क्लिनिकल फीचर ये हो जाता है कि जाहिर सी बात है चेस्ट के ऊपर हो रहा है, लंग इफेक्ट हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है, हमें जो कि देखने को मिल रहा है, साइन हमें मिल रहा है वही पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ द चेस्ट मिल रही है, और इसके अलावा जो ब्रेथ साउंड्स हैं फ्रैक्चर सेगमेंट के ऊपर वो डिक्रीज होंगी। अब हम इसको मैनेज किस तरह करेंगे, वही ATLS के कौन से हम पार्ट में डील करेंगे, बी पार्ट में, ब्रीथिंग पार्ट में डील करेंगे। इसमें जो हमारा मेन सर्वे ऑफ मेन प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो ये होगा कि हम पेशेंट के पेन को रिजॉल्व करें, क्योंकि जो पेशेंट है उसको इतना सीवियर पेन है कि वो अपनी बॉडी पोजीशंस को चेंज करेगा। जब पेशेंट अपनी बॉडी पोजीशंस को बार बार चेंज करेगा, खुद ही वो इरिटेटेड है, तो वो हमारे लिए भी, हमारे फर्दर ट्रीटमेंट को भी प्रोसीड करने के लिए हमारे लिए क्या बनेगा, एक मुश्किल का बाइस बनेगा। तो हम पेशेंट का सबसे पहले एनाल्जेसिया देके पेन कंट्रोल करेंगे। फिर हमें पता है कि जो ट्रीटमेंट है वो हम किस तरह स्टार्ट करेंगे, वो डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेवेरिटी ऑफ द लंग कंट्यूशन। अगर ज़्यादा लंग कंट्यूशन हुई भी है तो हमारे पास ज़्यादा हाइपोक्सिया हुआ है, ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो हमें उसको उस लिहाज से मैनेज करना है। अगर हमारे पास कम लंग कंट्यूशन हुई है तो हमें, और कम हाइपोक्सिया हुआ है, कम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो हमें उस लिहाज से मैनेज करना है। अगर तो हमारे पास क्या है, मैसिव लंग कंट्यूशन हो गई है, तो हमने क्या करना है, सेलेक्टिव इंट्यूबेशन कर देनी है और वेंटिलेशन एम्प्लॉय कर देनी है। उसके अलावा हमारा जो पेशेंट है उसको हमने ऑब्जर्व करना है फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर्स, की अगर उसको बहुत ज़्यादा सीवियर फ्रैक्चर्स हैं तो हमने उस फ्रैक्चर्स को ट्रीट करना है। अब हम मूव ऑन करते हैं ओवर सिक्स्थ जो है लीथल कॉज उसकी तरफ, जो है कार्डिक टेम्पोनेट। कार्डिक टेम्पोनेट के लिए जो हमारा मेन डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है, जो हमें देखना है सबसे पहले हमारे पेशेंट के अंदर, वो पता है क्या होता है। जो इंटीरियरली अगर हम चेस्ट वॉल को देखें तो दो टू निपल्स के बिटवीन और बैक से टू स्कैपुलास के बिटवीन, यानी कि पोस्टीरियरली टू स्कैपुलास के बिटवीन, इंटीरियरली टू
निपल्स के इन बिटवीन या पैरास्टर्नल एरिया में अगर हमारे पास एक पेनिट्रेटिंग वुंड नज़र आ रहा है जो आर पार हो गई है, ठीक है, किसी ने एक बंदे को रॉड मार दिया, वो पूरा पेनिट्रेट कर गया है फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर या फ्रॉम पोस्टीरियर टू इंटीरियर टू स्कैपुलास के दरमियान या फिर पैरास्टर्नल एरिया से, तो वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास चांसेस क्या इफेक्ट करेगा, हमारी राइट साइड ऑफ द हार्ट को या मोस्टली हमारे हार्ट को इफेक्ट करेगा, ठीक है, हार्ट को इफेक्ट करेगा। अगर फर्स्ट करें हमारे पास हार्ट डैमेज होता है तो बेसिकली क्या होगा कि जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। फ्लूइड जब एक्यूमुलेट होगा तो पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा वो कार्डिक फिलिंग को इफेक्ट करेगा, क्योंकि प्रॉपरली हार्ट एक्सपैंड नहीं कर पाएगा बाहर वाले फ्लूइड की वजह से, हार्ट एक्सपैंड नहीं करेगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा जो पेशेंट है उसमें हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक हाइपोवोलीमिक शॉक की तरफ मूव ऑन करेगा। इसकी पैथोजेनेसिस में यही बात है कि भाई जब जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगा, ट्रॉमा होगा, जो हार्ट है उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई करेंगी नहीं, तो जो हार्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्ली फिल नहीं होगा, जो डायस्टोलिक फेज ऑफ द हार्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्ली एक्सपायर नहीं कर रहा हार्ट, हार्ट के अंदर ब्लड प्रॉपर नहीं आ रहा, तो क्या होगा कि हार्ट का जो कार्डिक आउटपुट है वो कम, कार्डिक आउटपुट कम तो इसका मतलब बॉडी के सारे सिस्टम जो है ना वो स्लो डाउन हो जाएंगे, कार्डिक आउटपुट कम, प्री लोड कम, आफ्टर लोड कम, हाइपोवोलीमिया, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, जाहिर सी बात है जब प्रॉपर्ली ब्लड आएगा नहीं किसके अंदर, थोरेसिक कैविटी से होता हुआ हार्ट के अंदर, तो क्या होगा, वैसल्स में भी जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, वैसल्स में ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा, मोस्टली नेक के अंदर जो है ना वो जो ब्लड है वो एनगॉर्ज होने लग जाएगा नेक वेंस के अंदर, तो वो क्या करेगा हमारे पास जुगुलर वीनस प्रेशर को रेज कर देगा कार्डिक टेम्पोनेट में। अब कार्डिक जो टेम्पोनेट है इसके सिम्टम्स को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सा हम ट्राइंगल जो है वो लेते होते हैं, हम देख लेते होते हैं एक बैक ट्राइएड को। बैक ट्राइएड में ना हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्लड फ्लो है टू द हार्ट वो कम हो गया, ठीक है, पेशेंट हाइपोवोलीमिया के स्टेट में चला गया, लेकिन जो वेंस है उनके अंदर ब्लड एक्यूमुलेट करना शुरू हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास ये आएगा कि वीनस प्रेशर जो है वो रेज हो गया, ठीक है। अच्छा, आर्टरीज के अंदर ब्लड नहीं जा रहा तो आर्टीरियल प्रेशर जो है ना हमारे पास वो क्या हो गया, डिक्रीज, ठीक है। इसके अलावा जब हार्ट है, हार्ट का कार्डिक आउटपुट कम है, हार्ट प्रॉपरली बीट नहीं कर रहा, तो जो हमारे पास हार्ट साउंड है वो मफल्ड हो गई है, मफल्ड हार्ट साउंड क्या है, बैक स्ट्राइड को याद रखने के लिए कि वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, मफल्ड हार्ट साउंड होगी। ये हमारे पास जो है ना एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है फॉर कार्डिक टेम्पोनेट आफ्टर ऑब्जर्विंग द ट्रॉमा, कि हमें पता चल गया पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है, उसके बाद हम ये वाले जो है ना साइंस पेशेंट में देख, क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर हम आ गए कि हमने बेसिकली क्या करना है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करनी है, एग्जामिनेशन में हमने देख लिया कि हमारे पास इंट्रास्कैपुलर रीजन में वुंड है, उसके बाद हम आ गए बैक ट्राइएड की तरफ, के बैक ट्राइएड के जो हमारे पास तीन फीचर्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, फिर हमें पता है कि पेशेंट चूँकि हाइपोवोलीमिया में है तो पेशेंट को टैकीकार्डिया भी हुआ हुआ होगा, इसके अलावा जो पेशेंट की को हाइपरटेंशन भी हुई भी होगी, नेक वेंस इनकॉर्स होंगी, जगुलर वीनस प्रेशर रेज होगा, हार्ट साउंड मफल्ड होंगी, कॉसमॉल साइन आएगा। कॉसमॉल साइन बेसिकली पता है क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने ना एक हाइपोथेटिकल सा हार्ट बना लिया, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, तो इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली अंडरस्टैंड करना है, ये हमारे पास डायफ्राम है, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होता है कि जो डायफ्राम है ना वो मूव कर जाता है टूवर्ड्स डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड मूव करेगा तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जो स्पेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, यानी कि जब स्पेस इंक्रीज होगी ये वाला हार्ट का जो पोर्शन है ये मूव करके डाउनवर्ड मूव करेगा तो यहाँ पे क्या एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, जब वैक्यूम सा क्रिएट होता है तो हमारे पास जो सुपीरियर वीना के वजह से आने वाला ब्लड है वो रश करता है इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है। अब चूंकि हार्ट की सारी साइड्स पे क्या हुआ है, पेरिकार्डियल फ्लूइड या जो ब्लड है वो पेरिकार्डियम के अंदर जो है ना एक्यूमुलेट हुआ है, तो ब्लड हार्ट जो है ना वो प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, तो इस सुपीरियर वीना केवा के अंदर जो है ना ब्लड एंगॉर्ज करेगा, सुपीरियर वीना केवा से जो बैकवर्ड वेन्स है उनके अंदर भी ब्लड एंगॉर्ज करने लगेगा, स्टैग्नेट हो जाएगा, तो इस रिस्पॉन्स में जो वेन है मौजूद हमारी नेक के अंदर मेजर वेन जुगुलर वेन तो वो उसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो राइज कर जाएगा। तो कॉसमल साइन क्या है, बेसिकली जुगुलर वीनस प्रेशर का राइज हो जाना इन सेकेंडरी टू कार्डिक टेम्पोनेट, कार्डिक टेम्पोनेट हुआ तो कार्डिक टेम्पोनेट के पैराडॉक्सिकल क्या हुआ, जुगुलर वीनस का प्रेशर जो है वो राइज कर गया, दैट इज कॉसमल साइन टूवर्ड्स द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अब हमने क्या कहा कि कार्डिक टेम्पोनेट में ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग हमारे पास एटीएलएस के किस प्राइमरी सर्वे के पॉइंट में आते हैं, सर्कुलेशन में, दैट इज सी, ठीक है। इसके लिए हमने बताया था, हमने ATLS में ही बताया था कि अगर हमने अंडर हिडन
जो है ना हीमाटोमा, उसको हमने लोकेट करना है, तो हम उसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ करते हैं वो फास्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा चूंकि हमारे पास हार्ट है, तो हमने हार्ट के अंदर ECG करवा लेनी, इकोकार्डियोग्राफी करा लेनी है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नीडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे। नीडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस का प्रोसीजर ये होता है कि हम एक नीडल लेते हैं, उसको इंसर्ट कर देते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस से अपवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स द हार्ट, फिर प्लूरल कैविटी की तरफ, जब वो पेरिकार्डियल कैविटी की तरफ, जब वो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर इंसर्ट हो जाती है, तो हम फ्लूइड को ड्रेन कर लेते हैं। ये हमारे पास परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता। परमानेंट ट्रीटमेंट जो होता है वो हमारे पास पेरिकार्डियोटोमी होती है, और इसके लिए हमारे पास जो एक प्रॉपर सर्जन का होना जरूरी होता है, ठीक है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स अ पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशंस हैं उनकी तरफ, इसको हम कहते हैं हिडन सेक्स, ठीक है। ये हमें बेसिकली सामने नजर नहीं आती, लेकिन हमें इसको जो है ना इवैल्यूएट करना होता है, ढूंढना होता है। मैंने एक निमोनिक खुद से जनरेट किया हुआ है कि ट्रैफिक ट्रक मेक्स रिमशा एस्टैब्लिश प्रेशर, कि जब ट्रैफिक वालों को देखती है रिमशा, तो उसको ड्राइव करने का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, शायद यही सेंस होता है ये। इसमें क्या होगा, टी से जो पहला ट्रैफिक है वो रिप्रेजेंट कर रहा है थोड़ा सा क्योटिक डिस्ट्रप्शन, ट्रक रिप्रेजेंट ट्रेकियो ब्रोंकियल इंजरीज, मायोकार्डियल कंट्यूजन, रप्चर ऑफ डायफ्राम, ईसोफेजियल इंजरीज, पल्मोनरी कंट्यूजन। इनमें जो मेजर हमारे पास है वो है थोरेसिक एओर्टिक डिस्ट्रप्शन। इसमें होता क्या है कि मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ, आप उसे अपने माइंड में एक दफ़ा रिकॉल करें। क्या है कि एक पेशेंट जो है, एक पर्सन जो है वो मूव कर रहा है ऑन द रोड, एक कार है वो ऑटोमोबाइल है वो आ रही है। अब जो पेशेंट है वो अपनी फ्रंट साइड से एक गाड़ी के आगे आ जाता है और गाड़ी उसको हिट कर देती है फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है ना। तो जब वो प्रेशर से दूर जाके गिरता है, प्रेशर उसके अप्लाई हुआ टूवर्ड्स द चेस्ट कैविटी, टूवर्ड्स द थोरेसिक वॉल, जब बहुत हाई अमाउंट में प्रेशर जो है वो अप्लाई हुआ, तो जो थोरेसिक एओर्टा था थोरेसिक कैविटी में मौजूद, वो रॉपचर हो गया। या आप ये सिनेरियो माइंड बनाएं कि एक पेशेंट है वो बहुत हाइट से फॉल किया है, डाउनवर्ड गिर गया नीचे आके, तो भी उसका थोड़ा सा एओर्टा रप्चर हो गया। अब इसमें होता क्या है, अगर हम ना, ये पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग हमारे पास क्यों बनती है, लाइफ थ्रेटनिंग क्यों है, क्योंकि अब मैं बताती हूँ आपको। अब जो हमारे पास कोई भी वेसल होती है ना, ब्लड वेसल, उसकी ना तीन लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास होती है ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अगर तो ये जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है ना एओर्टा की, ये रप्चर हो जाए, ठीक है, ट्रॉमा की वजह से, तो पेशेंट की सडन डेथ हो जाती है। अगर ये एडवेंटिशिया हमारे पास परसिस्ट रह जाए, बच जाए, तो हमारा जो पेशेंट है वो सर्वाइव कर जाता है। तो अगर हमारे पास क्या हुआ कि एडवेंटिशिया रप्चर हो गई, पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा, एडवेंटिशिया रप्चर नहीं हुई, पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा। एओर्टा की मेन साइट होती है जो वल्नरेबल टू डैमेज होती है, मोस्ट वल्नरेबल टू डैमेज होती है, वो एरिया होता है जहाँ से लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी जो है वो इसमें से इमर्ज हो रही होती, निकल रही होती है, ठीक है। अब जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, उसके क्लिनिकल फीचर्स बेसिकली हमें पेशेंट में नज़र तो नहीं आएंगे, क्योंकि जो पेशेंट है वो प्रेजेंट कर रहा है विद रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी और चेस्ट अपने वुंड के साथ, ट्रॉमा के साथ ना प्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको किस तरह असेस करेंगे, जो पेशेंट की ब्रेकियल पल्स और जो फेमरल पल्स होगी, यानी अपर लिम की पल्स और लोअर लिम की जो पल्स होगी ना, वो आपस में कोइंसाइड नहीं करेगी, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर आपस में कोइंसाइड नहीं करेगा। इसके अलावा हमें चेस्ट वॉल कॉन्ट्यूजन मिल रही होगी। फिर हम अपने जो डायग्नोसिस हमारे माइंड में बन रहा होगा, उसको कन्फर्म करने के लिए चेस्ट एक्सरे करवा देंगे। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो हमें पता चलेगा जो मीडियासिन है वो वाइड हुआ है, ठीक है। उसके अलावा हम जो है हमारा डायग्नोसिस हम कंफर्म करेंगे बाय सीटी स्कैन ऑफ द मीडियासिन, ठीक है। मैनेजमेंट हम इस तरह करेंगे, मैनेजमेंट में हम देख लेते होते हैं कि जो बेसिकली हमारा जो मेन प्रोटोकॉल होता है मैनेजमेंट में, वो ये होता है कि जो पेशेंट का सिस्टोलिक प्रेशर है, हमें उसको कंट्रोल करना होता है, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर अगर हमारे पास 100 mm और मर्करी से लेस है, तो हमारा ये मेन काम है कि हम पेशेंट को ना ब्लड प्रेशर उसका मेंटेन करें, ठीक है, फ्लूइड इनटेक करें, जो फ्लूइड की जो है ना हम IV लाइन लगा दें। इसके अलावा जो मेन मैनेजमेंट होती है, जिससे हमें एओर्टा को प्रिजर्व करना होता है, वो ये होता है कि हम कोई ग्राफ्ट लगा दें, टेयर को रिपेयर कर दें, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक डेफिनेटिव सर्जन होना चाहिए। जो ग्राफ्ट हम लगाते हैं वो मोस्टली डैक्रॉन ग्राफ्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट, दैट इज ट्रेकियो ब्रोंकियल इंजरी। ट्रेकियो ब्रोंकियल इंजरी जो है, ये भी हमारे पास एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होती है। इसमें अगर हमारे पास जो है ना ट्रैक्शन हो जाए ना ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री की, ठीक है, तो यानी कि उसमें कोई इंजरी हो जाए, वो फट जाए, अलग हो जाए ना, तो पेशेंट सडन डेथ हो जाती है। पेशेंट में कोई चांस नहीं होता कि वो सर्वाइव करे, और इसीलिए इसके जो पेशेंट होते हैं वो बहुत कम इमरजेंसी तक प्रेजेंट करते हैं, इमरजेंसी पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। और इनके अंदर होता क्या है, इनके सीवियर एम्फिसिमा हो जाता है और वो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में यही बात है कि जो पार्शियल इंजरीज होती हैं ना, वही प्रेजेंट करती हैं, यानी कि अगर सीवियर इंजरी हो गई है तो उस बंदे के तो जो है ना एट द सीन डेथ हो जाएगी, और अगर जो है वो पार्शियल इंजरी के साथ है तो वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा। उसमें चेस्ट इंट्यूबेशन, जब हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेकियो ब्रोंकियल इंजरी हो गई, कि जब उसको चेस्ट इंट्यूबेट कर देंगे, उसके बाद जो चेस्ट ट्यूब की जो एक लीड होगी ना, उसको हम अंडर वाटर करेंगे, तो वाटर के अंदर ना बबल्स बनेंगे, तो वो हमारे पास इंडिकेट करेगा जो लंग है वो फेल टू एक्सपैंड और लंग का कोलैप्स हो गया। मैनेजमेंट में वही हमने ये देख लेना KTLS किस पार्ट में लाइक करता है, प्राइमरी सर्वे के किस पार्ट में लाइक कर रहा है ये,
भी ब्रीथिंग पार्ट में लाया कर रहे हैं, ठीक है। ये आइडेंटिफाई होगा ड्यूरिंग द सेकेंडरी सर्वे। अब हमने बताया था सेकेंडरी सर्वे में क्या होता है कि हेड टू टू हमने एग्जामिनेशन करनी होती है, तो हमें पता चलता है कि जो पेशेंट है वो ट्रेकियोब्रोंकियल जो है इंजरी का विक्टिम है। फिर क्या होता है कि जो मोस्ट इंजरीज होती है ना वो इन्वॉल्व करती है ट्रेकियल बाइफर्केशन, तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है ब्रोंकोस्कोपी करनी होती है। इससे पहले हमने जस्ट इंट्यूबेट कर देना होता है पेशेंट को इन ऑर्डर टू मेंटेन द वेंटिलेशन ऑफ द पेशेंट। ट्रीटमेंट में हमने क्या करना होता है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑफ द अनअफेक्टेड ब्रोंकस फॉलोड बाय द ऑपरेटिव रिपेयर। आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर हो गया, यही दोनों इसमें इंपॉर्टेंट थे, बाकी रीड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आज के लिए, ओके अल्लाह हाफिज़।